यह रास्ता आसान नहीं, क्या क्या गुजरी है इसका अनुमान नहीं। जी हाँ दोस्तों, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। जैसे कि आपको विभिन्न न्यूज चैनल के माध्यम से भी बताया गया होगा, लेकिन मैं विस्तार से बता रहा हूँ, बहुजन समाज पार्टी और शिरोमणि अकाली दल का गठबंधन हो गया। चंडीगढ़ में प्रकाश सिंह बादल जो वयोवृद्ध नेता है शिरोमणि अकाली दल के, एवं उनके पुत्र सुखबीर बादल, हरसिमरत कौर जो पूर्व मंत्री थी भाजपा के गठबंधन में, सबके सब मौजूद थे। सतीश चंद्र मिश्रा जी ने ये पहल करके और शिरोमणि अकाली दल से गठबंधन कर लिया। मैं आपको बता दूं, पंजाब में 32% दलित वोटर हैं। अगर बसपा चाहती तो पहले भी सत्ता में आ सकती थी, सरकार बना सकती थी, परंतु वहाँ सत्ता इसलिए जरूरी है क्योंकि वहाँ ध्रुवीकरण हो जाता है, ध्रुवीकरण में सारे फंस जाते हैं। इस बार अगर शिरोमणि अकाली दल के साथ बसपा आई है तो जाहिर सी बात है सत्ता कन्फर्म है, पंजाब सरकार इनकी बनेगी गठबंधन की। और उसके बाद तमाम जो 32% पंजाब के दलित हैं, उनको समझ में आएगी कि हम पावर में भी आ सकते हैं, हम अपनी सरकार भी बना सकते हैं, फिलहाल तो गठबंधन ही सही। और पंजाब के गठबंधन से उत्तर प्रदेश को सीधा मैसेज जा रहा है कि आने वाले समय में, जैसे कि बहन मायावती जी पहले कह चुकी हैं कि हम अकेले लड़ेंगे, किसी का कोई गठबंधन नहीं करेंगे, परंतु ऐसा नहीं होने वाला है। आने वाले समय में कुछ छोटे दल जिनको सपा में जगह नहीं मिलेगा, जो गैर कांग्रेसी और गैर बीजेपी होंगे, वो बसपा के साथ आ सकते। आपको एक लेटेस्ट खबर बता रहा हूँ, शायद आपको पता नहीं होगा, ओम प्रकाश राजभर का जो अपना मकान है, अपना आवास है, वहाँ तक भी भाजपा सरकार ने सड़क नहीं बनाई, तो आम गरीबों का क्या होता। कल की घटना बता रहा हूँ, उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर में एक लालगंज जगह है जहाँ पर एक दलित महिला प्रधान के ऊपर हमले हुए, उसके घर पर हमले हुए दबंगों द्वारा, और उनकी पुत्री सीता देवी जो भीम सेना की समर्थक है, उसकी सदस्य है, ये भीम सेना के संस्थापक सनाउल्लाह खान है वहाँ मिर्ज़ापुर के, और वो सब के सब अब क्या करते हैं ये तो खबर आने के बाद बताऊंगा, लेकिन कल हमले हुए हैं, पूरा मकान क्षतिग्रस्त किया गया है, घर को तबाह कर दिया गया। जब जब उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज के लोग पावर में आते हैं तो उनसे जलन होना शुरू हो जाता है वहाँ के दबंगों को, और फिर वो इस तरह से वारदात का अंजाम देते हैं। रही बात ये, उत्तर प्रदेश की राजनीति धीरे धीरे गर्म हो रही है। आपको पता है, मैं आपको बता दूं, माननीय काशीराम जी ने कहा था कि किसी भी राजनीतिक दल का पूर्ण बहुमत की अगर सत्ता आ जाती है, पूर्ण बहुमत की सरकार बन जाती है, तो कार्यकर्ता की अवहेलना होने लग जाती है। ये माननीय काशीराम जी की लाइन है। अगर कार्यकर्ता को सम्मान चाहिए तो गठबंधन की सरकार हो, कार्यकर्ता को सम्मान चाहिए तो पूर्ण बहुमत नहीं होनी चाहिए, ताकि सरकार अपने कार्यकर्ताओं से डरी हुई रहे और कार्यकर्ताओं को सम्मान मिलता रहे। कहीं भी किसी भी दल को आप देखते होंगे, जब पूर्ण बहुमत की आ जाती है सरकार, तो कार्यकर्ता जो है उनके लिए बेगाने हो जाते हैं, वो उनको नहीं पूछते हैं। ये हर जगह का नियम है, हर पार्टी का नियम है, ये एक तरह से गुण है, मानवीय गुण कह सकते हैं, प्राकृतिक गुण कह सकते हैं, कि अगर पूर्ण बहुमत की होगी तो कार्यकर्ता की अवहेलना हो। इसलिए उत्तर प्रदेश में भी गठबंधन करके और लबालब की स्थिति में अगर 200 सीट तक भी बहुजन समाज पार्टी को आ जाती है तो कार्यकर्ताओं का भी सम्मान बना हुआ रहेगा और बहुजन समाज पार्टी सत्ता में भी आ जाएगी। और इस तरह से पूरी तैयारी की जा रही है। भाजपा परेशान इस बात से है कि पंचायत चुनाव में, कह लीजिए एक तरह से भाजपा हार गई है उत्तर प्रदेश में, और समाजवादी पार्टी क्या समझ रहे हैं कि हम जीत गए। उनको वो कहते हैं कि काम बोलता है, पिछली बार उनका नारा था काम बोलता है, उत्तर प्रदेश में काम नहीं मंदिर बोलता है, यहाँ मेट्रो बनाने वाले चुनाव हार जाते हैं, मंदिर बनाने वाले चुनाव जीत जाते हैं, यहाँ काम नहीं बोलता है। और रही बात ये, जब आप सत्ता से बाहर हैं विपक्ष में, तब आप पंचायत चुनाव जीत जाते हैं, जब सत्ता में थे मुख्यमंत्री थे तब आपका काम बोल नहीं पाया। कुल मिलाकर
उत्तर प्रदेश की राजनीति में काम नहीं बोलता जाति बोलता है, काम नहीं बोलता ध्रुवीकरण बोलता है। चुनाव के अंदर तीन पक्ष होते हैं, एक आपका समर्थक होता है, एक आपका विरोधी होता है, और तीसरा पक्ष वह होता है जिसकी हवा होती है उसी तरफ चला जाता है, और जिसने हवा बनाने में कामयाबी हासिल कर ली वो सत्ता प्राप्ति करने से उसे कोई नहीं रोक सकता। इसी तरह का जो है राजनीतिक माहौल है भारतीय राजनीति में। रही बात ये बहुजन समाज पार्टी धीरे 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 उन तमाम कमियों को दूर करके अपने नए पुराने नेताओं को जोड़कर किसी प्रकार 2022 में उत्तर प्रदेश में आना चाहती है सत्ता में, और यह भी हो सकता है कि उत्तराखंड में भी उनकी अच्छी बहुमत मिले। पंजाब में वो कन्फर्म है क्योंकि प्रकाश सिंह बादल की कई बार सरकार रही है, कई बार सत्ता सुख भोगे हुए हैं, इस बार वो कांग्रेस को टक्कर देने के लिए बसपा को साथ किए हैं, और बसपा इसलिए सपोर्ट कर रही है और बसपा का सपोर्ट पाना उनके लिए इसलिए फायदेमंद होगा क्योंकि पंजाब के अंदर 32% दलित वोटर हैं, और 32% कम नहीं होता। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर, हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।